असलम जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फज़ल और रहमत से आप सब ठीक होंगे तो जैसे कि हम यूनिट फाइव पढ़ रहे हैं रिटेल का कस्टमर सर्विस इसमें हमने सेशन वन में आइडेंट एक जो हमारे सब टॉपिक्स थे वो पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स और कस्टमर की बेसिक नीड्स क्या है बेसिक नीड्स ऑफ ए कस्टमर तो आज हम उसी का पार्ट टू फिर से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है रोल ऑफ़ कस्टमर सर्विस इन रिटेल कि जो कस्टमर सर्विस देते हैं हम रिटेल में उसका क्या रोल है और एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस क्या क्या है उसके पार्ट्स क्या है एडवांटेज ऑफ़ कस्टमर सर्विस ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो है रोल ऑफ कस्टमर सर्विस इन रिटेल ठीक तो यहाँ पे क्या है कि जो सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव कस्टमर सर्विस जो किस में मदद करते हैं हमें रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ कस्टमर्स वैल्यू फॉर द स्टोर ऑब्वियसली <coughs> जब हम कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देते हैं सर्विस डजेंट मीन इतना कि आपने प्रोडक्ट ले लिया वो खराब हो गया फिर हम उसको ठीक करके देंगे तो वो सर्विस हुई वो सर्विस होती है बट सर्विस ये भी होती है कि एक कस्टमर आपके शोरूम में आता है तो उसके साथ हम कैसे बात करें हम अगर उसने प्रोडक्ट ख़रीदा उसको कैसे बिठाए इंस्टॉलेशन कैसे समझाए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे दी उस, उसके साथ स्माइल के साथ बात करें तो ये सब चीज़ें सर्विस में आती है जितना हम इफ़ेक्टिव कस्टमर सर्विस देते हैं तो इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है इंक्रीज ऑफ कस्टमर वैल्यूज़ फ़ॉर स्टोर तो ये कस्टमर वैल्यू बढ़ाता है स्टोर के लिए तो कस्टमर्स ऑब्वियसली उस स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ सेल्स पर्सनस का या स्टोर स्टोर में जितने भी एम्प्लॉज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं तो मुझे हर बारी यहीं आना चाहिए तो ये किस चीज़ का है जो कस्टमर सर्विस देते हैं हम इफ़ेक्टिव कस्टमर सर्विस ठीक ए गुड कस्टमर सर्विस शुड फोकस ऑन जो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस होती है तो उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसको फोकस करना चाहिए बिल्डिंग ए डायनेमिक रिलेशनशिप विद द कस्टमर सबसे मेन मकसद है कि अगर आपको अपना बिज़नेस कंटिन्यू करना है लॉन्ग रन के लिए चलाना है आपको अपना बिज़नेस तो उसके लिए हमें कस्टमर के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करना है हमें उसकी नीड को समझना है उसकी ज़रूरत क्या है उसको कौन सा प्रोडक्ट की ज़रूरत है अगर मान लो उसको एक कापी चाहिए जो कापी इट तो भी पचास रुपए की है ठीक अगर उसकी जरूरत पचास रुपये में ही पूरी होती है तो मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं उसको सौ रुपए की कॉपी दे दूँ तो मुझे बस उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए मुझे अपना प्रॉफिट देखना है बट इतना भी नहीं देखना है कि खुद गर्ज हो जाऊँ फिर अपने लिए सारा कुछ कमाऊँ नहीं उससे क्या होगा फिर आपका कस्टमर जाएगा वो आपके पास नहीं टिकेगा ठीक तो आपको एक डायनमिक रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ तो वो किसका अहम किरदार है कस्टमर सर्विस में ठीक है दूसरा कस्टमर सर्विस में हमें और किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए मेकिंग कस्टमर सर्विस ए की एलिमेंट टू बिल्ड कस्टमर लॉयलिटी इसी कस्टमर सर्विस को ध्यान में रख के अगर आप कस्टमर सर्विस देते हो इस चीज़ से कि मुझे कस्टमर को अपना लॉयल बनाना है लॉयल इन द सेंस कि ये हर बारी मेरे पास ही आना चाहिए तो बोलते हैं ना लॉयल जो वफ़ादार ये मेरा लॉयल बंदा है ये है वो है तो ऐसे ही एक स्टोर के लिए कस्टमर लॉयल तब बनता है जब उसको बहुत अच्छी सर्विस मिली हुई होती है हमने उसको बहुत अच्छे से ग्रीट किया होता है हमने उसको बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया होता है तो जब हम ये चीज़ें करते हैं अच्छी सर्विस देते हैं तो वो कस्टमर हमारा लॉयल बनता है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर सर्विस ही एक ऐसा एलिमेंट बन जाए जिससे कस्टमर मेरा लॉयल बन जाए वो हमारे पास ही बार बार आ जाए जब भी उसको कोई प्रोडक्ट की नीड बढ़े वो सिर्फ पहले हमारे पास आए भले फिर हमारे पास उस वक्त हो प्रोडक्ट या ना हो लेकिन वो हमारे पास ही आना चाहिए ठीक इसके बाद कस्टमर सर्विस की वजह से हमें बिल्डिंग कम्पिटिव एडवांटेज है अगर हम कस्टमर सर्विस बनाते हैं बहुत अच्छा देते हैं कस्टमर को सर्विस देते हैं तो इसकी वजह से हम क्या बिल्ड करते हैं कम्पटिटिव एडवांटेज मिलती है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अगर आपके पास एक हार्डवेयर की दुकान है आपने पेंट रखा है पे पेंट या कोई और पेंट रखा है आपने स्टोर में तो सिर्फ आप ही एक मार्केट में हार्डवेयर वाले नहीं होते हो, वहाँ बाकी सारे भी होते हैं बट अगर आप कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देते हो तो एक आपको कंपटेटिव एडवांटेज मिलती है कि आप बाकी हार्डवेयर वालों से ज़्यादा अच्छा कमाओगे आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे क्योंकि उनको भी कस्टमर्स को भी पता है कि यार ये बहुत अच्छा सर्विस देता है मुझे इसी के पास जाना चाहिए ये अच्छे से एटलीस्ट बात तो करता है ये शन ये शन मतलब द्रोग दिवा बाकी निश कैं भले आप एक रुपया सस्ता दो उनसे तो आप बहुत अच्छी सर्विस जब दे दोगे कस्टमर को तो वो आपको एक कंपटिटिव एडवांटेज मिलेगी बाकी लोगों से आप ज़्यादा कमाना स्टार्ट करोगे बाकी लोगों से आपके पास ज़्यादा कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक थ्रू इफेक्टिव कस्टमर सर्विस अ रिटेलर कैन मेटेन अ स्ट्रॉग रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड कन्वर्ट ए कैजुअल कस्टमर इंटू अ लॉयल कस्टमर लास्ट में यही बताता है कस्टमर सर्विस का क्या बेनिफिट मिलता है हमें कि अगर हम अच्छी बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं तो रिटेलर को एक मतलब मौका मिलता है एक स्ट्रॉग रिलेशनशिप बनाने का कस्टमर के साथ वो तभी हो सकता है जब हम उसको अच्छी सर्विस देंगे जब आप एक स्ट्रॉग रिलेशनशिप बनाते हुए कस्टमर के साथ तो ओबियसली आप एक कैजुअल कस्टमर को जो बस आपके लिए आपके पास सिर्फ़ एक दिन के लिए आया था प्रोडक्ट लेने के लिए जब आप उसको अच्छी सर्विस देते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो लॉयल कस्टमर में मतलब कि जब आप अच्छी सर्विस दे के उसको बेचते हो घर कोई अच्छे प्रोडक्ट के साथ तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करता है वो बोलता है कि ना उसने मुझे एक टाइम पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया था तो मुझे उसी के पास पहले जाना चाहिए तो आपका लॉयल कस्टमर बनता है तो वो एक ही चीज़ की वजह से बनेगा इसी कस्टमर सर्विस की वजह से ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस क्या होता है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस विच मेक इट गुड आर एज फॉलोज क्या क्या कस्टमर सर्विस है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स जो कस्टमर सर्विस तभी हो सकती है जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है फिर चाहे स्कूल हो फिर चाहे रिटेल बिजनेस हो फिर चाहे मार्केटिंग बिजनेस हो फिर चाहे हॉस्पिटैलिटी uh, सेक्टर हो फिर चाहे कोई और सेक्टर हो तो उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है द सेल्स पर्सन इनिशियली ग्रीट्स द कस्टमर तो जो सेल्स पर्सन पर्सन होता है वो इनिशियली किस को ग्रीड करता है कस्टमर को क्योंकि कस्टमर जब एंटर करता है स्टोर में शोरूम में तो ऑब्वियसली वहाँ सेल्स पर्सन खड़े रहते हैं तो वो उसको ग्रीड करते हैं थ्रू आउट द इंटरेक्शन जो भी इंटरेक्शन होती है किसके बीच में सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में द कस्टमर फॉर्मज एन ओपिनियन एंड एटीट्यूड टवर्ड्स द रिटेल स्टोर एज फार एज द कस्टमर सर्विस इज़ कंसर्न तो ये कस्टमर सर्विस उसी टाइम पर पता चलता है कस्टमर को कि अगर सेल्स पर्सन ने उसके साथ ऐसे बात की हाँ हाँ अब है तो प्रोडक्ट जाओ देख लो वहाँ पे लगे हुए प्रोडक्ट खुद ही देख लो तो कस्टमर अपने दिमाग में अपना ओपिनियन बनाया यार ये तो एंड है ये लेजी का सेल्स पर्सन है या ये स्टोर वाले भी ऐसे ही होंगे वो अपना ओपिनियन बनाता है फिर स्टोर के रिगार्डिंग तो उस वक्त अगर सेल्स पर्सन बहुत अच्छी सर्विस देता है उसको मतलब सर्विस इन देंस ग्रीट किया वार्मली ग्रीट किया उसको बहुत प्यार से बात की स्माइल के साथ उसको मतलब लीड किया कि आप आ जाओ ये ये प्रोडक्ट है हमारे पास आपको ये चाहिए सर इसमें ये ये फ़ायदे हैं आपके लिए ये बेनिफिट है सर अगर आप दो सौ ज़्यादा दे कि इससे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये है आप ये ले लो तो मतलब जब आप कम्युनिकेट करोगे अच्छे से उसको ग्रीट करोगे बाकी चीज़ें तो एक कस्टमर ओपिनियन बनाता है आपके लिए कि वो सोचता आपके स्टोर के लिए जितना आप अच्छी सर्विस दोगे वो बोलेगा ना स्टोर वाले बहुत अच्छे हैं जितना आप बुरा सर्विस दोगे तो वो बोलेगा स्टोर बहुत ही ज़्यादा बुरा है तो इसके पास मुझे नेक्स्ट टाइम पे नहीं आना और अपने किसी रिलेटिव या जानकार को भी इस शोरूम पर तो भेजूँगा नहीं जरूरी ठीक है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मस्ट है जितना अच्छा होगा क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी कस्टमर सर्विस में ही आता है आप कैसे बात करते हो दैट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन ठीक है तो कम्युनिकेशन स्किल इसका पहला है सेकंड इफेक्टिव फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स तो जब भी हम किसी भी मतलब जो मैक्सिमम रिटेल स्टोर्स में क्या होता है कि एम्प्लॉय ये कस्टमर्स को ना स्टोर में जाना पड़ता है उनको ज़्यादातर मतलब ऑनलाइन नहीं देते यहाँ पे, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे यहाँ बहुत सारे रिटेल स्टोर्स है शोरूम में जहाँ कस्टमर खुद जाता है और ख़रीदारी करता है परचेज़ करता है तो द एम्प्लॉयज़ डील विद द कस्टमर्स फ़ेस टू फेस ऑन ए डेली बेसिस अब यहाँ क्या है कि कस्टमर को फ़ेस टू फ़ेस हमें हर रोज़ देखना पड़ता है सामने कस्टमर आ गया उसके साथ बात करनी पड़ती है इंटरेक्शन करना पड़ता है तो दीज पर्सनल इनकाउंटर्स ऑफर कस्टमर्स द यूज़ ऑफ़ एट लीस्ट टू और मोर ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस अपॉन विच टू फॉर्म देयर ओपिनियंस मतलब इसका ये है कि जो कस्टमर होता है वो ये इनकाउंटर करता है क्योंकि देखो अगर कस्टमर फ़ोन पे बात करता है किसी सेल्स uh, एसोसिएट के साथ या जिसको हम सेल्स पर्सन बोलते हैं फ़ोन पे बात करता है तो फ़ोन पे उसको सिर्फ़ एक ही सेंस दिखाई देगा वो है ऑडियो ठीक तो वो उसका कैसे बात करता है फ़ोन पे तो वो कस्टमर उस वक्त अपना ओपिनियन लगाएगी कि ये बंदा कैसा हो सकता है वो जज करेगा एक ही चीज़ से कि ये बंदा लेजी ये क्या है बट मुश्किल होगा कस्टमर को वो अपना तब ओपिनियन सेट करना बट डेली बेस पे जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है तो कस्टमर सेल्स पर्सन के सारे सेंसेस देखता है मतलब उसका जेस्चर मूवमेंट बॉडी मूवमेंट आंखों का आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है मतलब सब कुछ ऐसे मोस्टली बात करना उसका लहजा कैसा है स्माइल कैसी है चेहरे पर तो वो एक फिर से वही एक ओपिनियन बनाता है कि ये मतलब बंदा सही से ट्रीट कर रहा है मुझे कि नहीं कर रहा है बींग कस्टमर मैं ये सोचूंगा कि ये स्टोर अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है अगर कर रहा है तो मैं बार बार यहाँ आ जाऊँगा तो फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शंस जो कस्टमर्स के साथ होती है वो एक मेन पार्ट है इसमें ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आएगा बट यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्टोर वालों को जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ होते हैं कि कस्टमर को कहीं से कहीं मतलब कहीं उसमें कमी ना रह जाए हमारी सर्विस में तो यहाँ हर एक चीज़ पे हर एक सेंस पे जाए फिर आपके जेस्चर मूमेंट्स हो बॉडी मोमेंट्स हो या फिर आपके, आपकी आपकी स्माइल हो बात करने का लहजा हो आपका ड्रेसिंग सेंस हो तो इस पे कस्टमर अपना ओपिनियन बना सकता है सेट कर सकता है कि ये अगर सेल्स पर्सन ने गंदे कपड़े पहने यार ये तो गंदा है कौन जाएगा इसके पास ठीक तो वो भी एक मायने रखता है इसमें एक एलिमेंट है इफ़ेक्टिव फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन उस पर ध्यान देना है रिटेल स्टोर को कि हमारा जो फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव हो जाए वो इफेक्टिव तभी हो सकता है क्योंकि फ़ोन पे तो बात नहीं करनी है बट बात करनी है हमें आमने सामने कस्टमर को सेल्स पर्सन के आमने सामने बात करनी है तो हमें उसके लिए अपने एम्प्लॉज़ को ट्रेन करना पड़ेगा उनको कम्युनिकेशन स्किल्स खानी पड़ेगी अपना मेनटे अपना मेंटेनेंस मतलब अपना ड्रेसिंग सेंस आपकी स्माइल पे ग्रूमिंग करनी पड़ेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं तो तभी हम एक कस्टमर को एडमायर मतलब कस्टमर हमें एडमायर कर सकते हैं ना कस्टमर बोलेगा कि ना बंदा बहुत सही है इसके साथ मुझे बात करनी चाहिए और बार बार यहाँ आना चाहिए ठीक है तो हमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन जो कस्टमर के साथ होती है वो इफेक्टिव बनानी होनी होगी ठीक है ये एक एलिमेंट है फिर द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू कस्टमर्स एक सुनने का एक ये एक आर्ट होता है सुनना एक आर्ट होता है हर कोई सुनते तो सब है बट इसको अप्लाई कौन कर रहा है वो मेन चीज़ है ठीक है कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट देखो जब एक सेल्स पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द कस्टमर मतलब जब हम कस्टमर को बोलते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि कस्टमर को जानकारी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में तो बट कम्युनिकेशन फ्रॉम द कस्टमर इज़ प्रोबेबली इवन मोर इम्पॉर्टेंट लेकिन जो कस्टमर वापस बोलता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग वो अपनी नीड को बताता है कि मुझे क्या ज़रूरत है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हो जो आप कस्टमर को यहाँ से बोलोगे वो तो इम्पॉर्टेंट है ही बट जब कस्टमर वापस बोलता है वो उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है ठीक क्योंकि हमें उससे पत, क्या पता चलेगा कस्टमर की नीड द सेल्स पर्सन शुड नो वट वट वॉट ए कस्टमर रियली वांट्स तो सेल्स पर्सन को उसकी बातों से जब आप लिसनिंग अच्छे से करते हो उसको पता चलना चाहिए कि, कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए ठीक है तो जे जब ये चीज़ें होंगी तो इन्हीं बातों से क्या होगा कि जब कस्टमर की आप कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिकेशन आप कस्टमर की नीड को समझते हो आपको इसी चीज़ से फिर आपको जानकारी मिलेगी कि, कि कस्टमर एक्चुअली में क्या चाहता है टू अकॉम्प्लिश दिस सेल्स पर्सन मज़ डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स ये हासिल करने के लिए कि आप कस्टमर असल में क्या चाहता है उसके लिए सेल्स पर्सन को क्या करना है उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो लिसनिंग स्किल्स आती है उसको डेवलप करना है सुनने की सलाहित को डेवलप करना है क्योंकि हमें जब किसी के साथ भी बात करनी होगी ना चाहे फिर टीचर होगा चाहे मैं खुद होऊंगा या कोई और होगा आपका फ्रेंड होगा तो जब वो बात करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहले सुनो जब वो ख़त्म करते हैं ना उसके बाद उनसे बात करो मुखातिब हो जाओ तो लिसनिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो तो वो एक आर्ट आ जाएगा जिसकी वजह से आप कस्टमर की नीड को समझ सकते हो ये एक कस्टमर सर्विस में ही आता है ठीक है, है? हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रीवियंसिस स्मूथली ग्रीवियंसिस मतलब होता है प्रॉब्लम्स कस्टमर की प्रॉब्लम्स को स्मूथली सॉल्व करना है या कोई भी इशू द सेल्स पर्सन जो सेल्स पर्सन है ना हम सेल्स पर्सन की क्यों बात करें क्योंकि स्टोर में सबसे पहला सेल्स पर्सन ही होता है जिसको एनकाउंटर करना पड़ता है किसके साथ कस्टमर के साथ मतलब वो कस्टमर को सबसे पहला बंदा स्टोर की ये क्या नाम है इसका सेल्स पर्सन ही मिलता है जो उसके साथ डिस्कस करता है बात करता है कम्युनिकेट करता है द सेल्स पर्सन इन ए रिटेल स्टोर इज बाउंड टू एनकाउंटर अ कस्टमर हु इज़ एंग्री अपसेट अन रीजनेबल कि मतलब स्टोर में ही सबसे पहले एक कस्टमर जब आता है वो सेल्स पर्सन से बात करता है तो वो सेल्स पर्सन कभी एंग्री भी हो सकता है कभी मूड ख़राब हो सकता है उसका या अनरीजनेबल वो बात करेगा मतलब ऊट पटांग बात जो जिसका सू या पर पा सूद साध कहीं ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स कस्टमर है अड़े तुम थकन वैल कस्टमर आज ज़्यादा तो ये किसको ये टेंटरम्स या ये नखरे कस्टमर के किसको बर्दाश्त करने हैं सेल्स पर्सन को अब कस्टमर इज़ द किंग हमें बर्दाश्त करना तभी हमारा बिजनेस चलेगा ठीक इन्नी इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोग्राम विल इंक्लूड मैथड ऑफ डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ कस्टमर तो ये कस्टमर सर्विस प्रोग्राम जो है जो कस्टमर सर्विस ही है तो यही एक चीज़ है जब हम उसको अच्छी सर्विस देना स्टार्ट करेंगे उस, उसका फिर गुस्सा वो चाहे फिर अपसेट होगा अनरीजनेबल होगा वो ख़त्म हो जाएगा उसकी प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व हो जाएंगे बट वो कब होगा जब हम उसको सुनेंगे वो कब होगा जब हम उसको अच्छा प्रोडक्ट देंगे वो कब होगा जब हम उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अच्छे से देंगे वो कब होगा जब हम उसको ज़्यादा काटेंगे नहीं काटा काटने का मतलब होता है कि अपना ज़्यादा फ़ायदा सोचना कि कस्टमर का नुकसान ही हो जाए फिर वो आपके पास आए ही ना ठीक तो हमें एज ए फैमिली काइंड ऑफ ए थिंग उसको समझना है सुनना है लिसन करना है और उसको बहुत से बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट दे देना है ठीक है तो हमें कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको स्मूथली सॉल्व करना है ये ये इसका और एक एलिमेंट था ठीक एडॉप्ट अडोप्टिंग ए न्यू और डिफरेंट पर्स्पेक्टिव हमें एक नया पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करना है पर्सपेक्टिव इन द सेंस जो एटीट्यूड हो या माइंड सेट जिसको बोलते हैं वो हमें दिमाग में रखना है कभी भी अडॉप्ट ए न्यू अडॉप्टिंग ए न्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब डिफरेंट माइंड सेट हमें फिर अडॉप्ट करना है हमें अपने अंदर लाना है क्योंकि क्या होता है ना कस्टमर सर्विस इज़ ए टीम एफर्ट कस्टमर सर्विस सिर्फ एक बंदे से नहीं हो सकता ये हमेशा टीम एफ़र्ट है अब मान लो आपने कस्टमर को सुना प्रोडक्ट अच्छे से बता दिया दूसरे को बोल दिया सर को समझ आ गया प्रोडक्ट इसको निकाल के दो तो दूसरा फिर अच्छे से उसको ग्रीट करेगा सर ये प्रोडक्ट है तीसरा उसको पैक करके देगा तो ये एक टीम एफर्ट है कस्टमर सर्विस ठीक तो कभी कभार कभी कंपनी में जो डेडिकेटेड टू गुड कस्टमर सर्विस जो अगर हम चाहते हैं कि हम गुड कस्टमर सर्विस दें एन एटीट्यूड एन एटीट्यूड ऑफ दैट इज़ नॉट माई जॉब डजेंट एग्जिट कि मतलब मुझे कोई भी उस वक्त हम ये सोच के चले कि कंपनी में मुझे किसी ने बोल दिया यार इस कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देनी है तो आप ये काम करो ना आप वहाँ से जाके लेट इट बी फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसके लिए पानी का गिलास लाओ जो कि आपका काम नहीं है वो पियोन का काम है बट पियोन है नहीं वहाँ तो हम ये नहीं बोलेंगे उस वक्त कि अरे यार ये तो मेरा काम नहीं है दैट इज़ नॉट माई जॉब तो ये इट डजेंट एग्जिस्ट ये एटीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी अब मान लो हमारा स्कूल है हमारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनका काम है टीचिंग करना मतलब पढ़ाना वहाँ पे बट वो आधे अकाउंट संभालते हैं आधे कुछ और संभालते हैं तो वो ये नहीं बोल सकते मेरा काम तो टीचर है टी teach, टीचिंग है मैं टीचर हूँ यहाँ मुझे कौन सा ये फाइनेंस देखना है तो वो ये नहीं कह सकते दैट इज़ नॉट माई जॉब ये ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता हमें करना पड़ता है जब हमें एग्जिस्ट रहना है एक कंपनी में हमें सैलरी लेनी है एक कंपनी से तो हमें ये बोलना है हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है ठीक है तो ये अपने अंदर एक ऐसा माइंड सेट लाओ नया माइंड सेट लाओ तो जिससे आप एक कस्टमर को बहुत ही अच्छा सर्विस दे सकते हो ठीक इसका लास्ट है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस तो इससे क्या होगा आस्क कस्टमर्स डेम हाउ वेल थिंक द रिटेल स्टोर इज डूइंग कस्टमर का फीडबैक लेना है सिंपल सा मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि फीडबैक लो कस्टमर से ताकि आप खुद के जो आपका बिजनेस है उसको मॉनिटर कर सकें मेजर कर सकें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ कितना इफेक्टिव है मेरा बिजनेस ठीक जब आप कस्टमर को बोलोगे कि आपको क्या लगता है हमारा स्टोर कैसा काम कर रहा है आपको सर्विस अच्छी मिली कि नहीं मिली तो जब कस्टमर वो कस्टमर क्या बोलेगा हाँ या वो ऐसे नहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुंह से बोल दो उसको तो इसके लिए कुछ टूल्स है आप उसको एक पैम्पलेट दे सकते हो जिसमें वो ऑप्शन टाइप है वॉज द सेल्स पर्सन गुड और बैड तो वो देगा रैंक किस आप कहाँ पे उसको स्केल दोगे एक नंबर पे रखोगे दो नंबर पे चार पाँच कहाँ पर आपको उसको रैंक देनी है तो वो क्वेश्चनियर टाइप होता है ठीक तो जब आप ये चीज दिस कैन बी एकॉम्प्लिश बाई यूजिंग बेस्ड टूल्स सच एज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कार्ड्स या फिर एग्जिट इंटरव्यू एग्जिट इंटरव्यूज कस्टमर्स एड और एडिस्टा मतलब इसका मतलब होता है कि आप कभी उसको सर्वे कार्ड्स दे सकते हो कि कस्टमर उस पर टिक टिक मार मारता चला जाए कि कौन क्या अच्छा था क्या बुरा था यहाँ एम्बियंस अच्छी थी लाइटिंग सिस्टम अच्छा था हमारे स्टोर का कि नहीं था कस्टमर डीलिंग हमा, हमारी बहुत अच्छी थी कि नहीं थी वो हाँ या ना में या फिर रैंक देगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ठीक या फिर एग्जिट इंटरव्यूज़ करेंगे कस्टमर को कस्टमर को खुद मुंह से बोलेंगे सर आपको क्या कैसा लगा हमारे स्टोर में आके जब वो फीडबैक देंगे ना तो उस फीडबैक से ही फिर आपको पता चलेगा मॉनिटर कर सकते हो और मेजर कर सकते हो कि आपकी कितनी इफेक्टिव रही आपकी सर्विस कस्टमर को देने में आपका स्टोर कहाँ पे स्टैंड करता है सर्विस में ठीक अगर कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया खराब रिव्यू दे दिया तो आप उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के उसको और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे अगर उसने बहुत अच्छा बोला कि बहुत सर बहुत अच्छी सर्विस थी आपकी तो उसको और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करने की और ज़्यादा कोशिश करो कि इससे भी ज़्यादा हम बेहतर कैसे कर सकते हैं ठीक है तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और अब सबसे ये लास्ट में है एडवांटेज ऑफ कस्टमर सर्विस कि कस्टमर सर्विस तो हम देते हैं कस्टमर को इस, इसकी एडवांटेज क्या है फ़ायदे क्या हैं इस चीज़ के अगर हम कस्टमर को, को कोई सर्विस दे रहे हैं तो फायदा है क्या है इस चीज़ का क्यों कर रहे हैं हम कस्टमर के लिए तो वो क्यों कर रहे हैं हम सबसे पहले हेल्प्स इन सर्विंग कस्टमर्स बेटर सबसे पहले इसका यही है कि हम कस्टमर को बहुत बेहतरीन तरीके से फिर सर्व कर सकते हैं उसको सर्विस दे सकते हैं ठीक है दूसरा इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यूज़ इसकी वजह से ही अगर हम सर्विस बहुत अच्छी देंगे कस्टमर को हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे वो हमसे ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे ज़्यादा खरीदारी करेंगे ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेशन होगा तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए हम करते हैं कि हम हमारा प्रोडक्ट बिक जाए हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए कस्टमर रेवेन्यूज़ बढ़ता है ठीक है इसके बाद हेल्प इज़ इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स ओबियसली जब आप मतलब एक कस्टमर आ गया पहली बार आपके पास तो आपने उसको बहुत अच्छी सर्विस दी तो आप वो आपके आपसे ख़रीदारी करेगा दैट मीन्स आपके पास वो न्यू कस्टमर जनरेट हो गया आप उसको अपने अंडर लाते हो ख़रीदारी में तो ये कस्टमर सर्विस के लिए का ही फ़ायदा है कि आपके पास कस्टमर खरीदारी करता है एक नया कस्टमर बनता है आपका अगर नहीं देते वो भाग जाएगा किसी और के पास हेल्प्स इन सेलिंग प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली कस्टमर सर्विस की वजह से ही आप इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं ठीक है क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे आपके पास जितनी अच्छी सर्विस दोगे कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट्स भी इफेक्टिवली सेल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स ठीक तो इसके बाद इन्हेंसेज कस्टमर लॉयलिटी एक जब कस्टमर सर्विस आप बहुत बेहतर दोगे तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या बनेगा आपका लॉयल कस्टमर वो आप ही के पास आएगा वो कहीं और नहीं जाएगा तो वो हर बार ये सोचेगा इस शोरूम ने मुझे बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस हर बार ही दी है तो मैं मुझे इसी के पास जाना चाहिए भले मुझे सस्ता दे रहा है क्या दे रहा है बट जाऊँगा तो इसी के पास जाऊँगा क्योंकि ये सर्विस बहुत बेहतर देता है ठीक है तो वो कस्टमर लॉयलिटी आप बढ़ाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा बेहतर है कि इसका रिटेन्स कस्टमर्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स कि कस्टमर आपके ही पास रुकता है अब आप ही के पास रुकेगा तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स में ही इंक्रीज होगा अब कस्टमर लॉयल है आज आपने उसको बहुत बेहतर सर्विस दी दोबारा भी आ गया आपने आपने दोबारा भी आपको सर्विस दे दी उसको तो जब तीसरी बार ही आ गया अगर आपने सर्विस नहीं दी तो वो सोचेगा आपके पास नहीं आने का नहीं आएगा वो आपके पास क्योंकि आपने सर्विस अच्छी नहीं दी तो आप लॉस में जाओगे वो आपके पास फिर आएगा नहीं तो आप लॉस में जाओगे वो आप आपसे कस्टमर छूट जाएगा वो किसी और के पास जाएगा तो सबसे बेहतर चीज़ क्या है जब आप सर्विस देते हो तो कस्टमर आपका एक तो इंक्रीज हो गया प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाएंगे आपका इंक्रीज प्रॉफिट हो गया रेवेन्यू जनरेशन हो गया आपका ठीक तो इसका लास्ट है हेल्प्स टू इंक्रीज़ इन in कस्टमर रेफरल्स रेफरल्स रेफर रेफरल्स क्या होता है रेफर करना किसी को क्योंकि अगर मुझे कोई बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है मान लो आपके पास शोरूम है मैं आपके पास आ गया तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से कस्टमर सर्विस दी तो जब मैंने ख़रीदारी करी आपने मुझे सुना अच्छे से बहुत प्यार से बात करी तो जब मैंने कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले लिया मैं घर गया मुझे किसी ने बोला कि आपने कहाँ से ये प्रोडक्ट लिया तो मैं क्या करूँगा मैं उसको बोलूँगा मैंने यहाँ से लिया तो मैंने रेफ़र किया उसको वो आप ही के पास आएगा और मैं बोलूँगा यार वो तो बहुत अच्छा सर्विस देते हैं ये करते है, वो करते मैं मतलब मैं अपनी जुबान से और दस बंदों को बोलूँगा अगर दस बंदों को बोल बोल दिया तो कम करीबन तीन बंदे तो आपके पास आ ही जाएंगे तो दैट मीन्स कस्टमर सर्विस से हम कस्टमर रेफरल्स जनरेट करते हैं ताकि हमारे पास और ज़्यादा एक कस्टमर से दस कस्टमर हमारे पास और आ जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो ठीक तो ये था हमारा सेशन वन इसके साथ सेशन वन हमारा टोटल कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा पहले पढ़ा था हमने आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स दूसरा हमने पढ़ा बेसिक कस्टमर नीड्स क्या क्या होती है तीसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे रोल ऑफ कस्टमर सर्विस क्या होती है मतलब जो हमारा बिज़नेस है रिटेल बिज़नेस इसमें कस्टमर सर्विस का रोल क्या है ठीक तो सेकंड पढ़ा इसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस में क्या क्या आता है ठीक लास्ट में हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ कस्टमर सर्विस तो ये इसमें पांच ऑब्जेक्टिव्स थे आइडेंटिफाइंग नीड ऑफ ए कस्टमर सेकंड था नीड बेसिक नीड्स ऑफ ए कस्टमर क्या क्या है पहला था कि हम कस्टमर की नीड को कैसे जानते हैं दूसरा है कि कस्टमर की कौन कौन सी नीड्स होती है तीसरा है कि कस्टमर सर्विस जो है उसका रोल क्या है रिटेल में चौथा है कि जो कस्टमर सर्विस है इसके एलिमेंट्स क्या क्या है पार्ट्स क्या क्या है इसके ठीक लास्ट है कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस क्या है एडवांटेज क्या है फ़ायदा क्या है उसका ठीक है इसी के साथ ये सेशन फर्स्ट हमारा यूनिट फाइव का कंप्लीट होता है तो कल हम सेशन सेकंड स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़